में देखते हैं, हम रेडियो में सुनते हैं अखबारों में देखते हैं ये होता क्या है एग्रीकल्चर ड्रोन तो आज हम ये यहाँ पर बड़ा अगवाल में हैं और इस गांव का नाम है ये बहुत ही प्रोडक्टिव जो है गांव है और यहाँ बहुत सारे हमारे प्रचित किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं तो हम फर्स्ट जो है के ये किसानों की भलाई के लिए हम अनेकों कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें अब ये भी हमारा कैसे सहभागी बन सकता है उस सिलसिले में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ इंजीनियर साहब भी आए हैं आपको हम पूरा बताएंगे पहले तो हमें हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे ये कैसे उड़ेगा और उड़ने से पहले इसमें हम कैसे लोड करेंगे पानी कैसे डालेंगे ये आप देखें इसका मुंह है लेकिन एक बूंद इसमें अगर होगी तो उसकी पच्चीस छोटी बूंदे बन जाएंगे और सोचो ये कितनी स्पीड होगी एक लीटर पानी डालेंगे ना तो उसकी 25 गुना उसको बारीक कर देगा इतनी क्षमता है इसमें और ये गवर्नमेंट का अथॉराइज्ड है ट्रैक्टर जर्नल सिविलाइजेशन भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है और बहुत सर... सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम प्रोफेसर संजय खजूरिया है और वर्तमान में मैं मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी हूं कृषि विज्ञान केंद्र सांबागा जो कि एक इकाई है हमारे शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू की आज का जो कार्यक्रम है आप सभी ने देखा जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा जो किसान है वो भी विदेशी किसानों की तरह बने आधुनिक बने आधुनिक देश में विकसित की हुई यानी जिसको हम कहते हैं मेक इन इंडिया जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का उसको कैसे फ़ायदा पहुंचे उसी के अंतर्गत भारत सरकार ने हमें एक प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर जम्मू कश्मीर के लिए दिया है ख़ासकर जम्मू खिते के लिए जिसमें हमारे दस ज़िले आते हैं और उसमें भी आगे जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने ये जमा बारी जो है मेरे को दी है कि जो दस ज़िले हैं दस ज़िले में लोगों को जागरूक करना कि ये एग्रीकल्चर ड्रोन है इसके ऊपर बताना कि ये भाई कैसे स्प्रे करता है ये चलता कैसे है इसमें कितनी बैटरियाँ हैं ये कितना समय लेता है ये कितना पैसा खर्च होता है इसमें तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए सर्वप्रथम पहली बार हम हमने जम्मू खिते में सांबा के जो ब्लाक है गहवाल उसमें रघुचक जो आधुनिक यहाँ के किसान जो हैं बड़े आधुनिक हैं और उनको उनके लिए हमने आज रखा है और इसमें आपने देखा कि कितने कम समय में उसमें कम से कम दो हेक्टेयर एरिया कवर कर लिया है इसमें हमने न्यूट्रेन डाले थे और हलो जो किसान भाई हैं उनको हमने ये बताने की कोशिश की है ग्राउंड पे कि इस तकनीक का वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं कितना पैसा खर्च हो सकता है कितना समय में आपने देखा कि एक बूंद को ये जो है ड्रोन 25 बूंदों में छोटी छोटी बरीक में बदल रहा था और स्पीड का भी पूरा अंदाज़ा बताया उनको कि स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कैसे हम इसको जिग जैग कर सकते हैं इसमें आपके माध्यम से उनको और चीज बताऊं कि जो हमारे पढ़े लिखे किसान हैं वो उसमें अपना जो खेत है उसका नक्शा इसमें फीड कर लें तो ये ऑटोमेटिक स्प्रे करेगा इनको एक जगह खड़ा होना है वो अपना काम करके इनके पास आ जाएगा कि मैंने स्प्रे कर ली मकसद क्या है कि एक कि... किसान जागरूक हो और ये जो अखबारों में देखते हैं टीवी में देखते हैं कि ये ड्रोन क्या करते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन तो पहली बार हमने इनको यही दिखाया मकसद यही आगे कि जागरूकता बढ़े लोगों में किसानों में कितना फायदा होगा किसानों में इसका भरपूर फायदा होगा और मैं कह रहा हूँ जो बड़ा किसान है इसमें दस गुना ज़्यादा फायदा ले सकता है अपना पैसा बचा सकता है और समय भी इसी हिसाब से बचा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका